और चलिए बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर वकीलों में आज हापुड़ की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। वकील सड़कों पर निकले और मामले में कार्रवाई की मांग की है। वकील स्वास्थ्य भवन के पास एकजुट हुए, इसके बाद मुख्यमंत्री आवास को घेरने का ऐलान किया, साथ ही मुख्यमंत्री से मिलने की मांग भी की। वकीलों को रोकने के लिए सिविल कोर्ट चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वकीलों ने हापुड़ की घटना में जल्द से जल्द दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात कही। नमस्कार, मैं मोहित बजाज एडवोकेट, साइबर एक्सपर्ट हूँ और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी भी हूँ। दरअसल आज आप देख रहे हैं पीछे अधिवक्ताओं में कितना जोश है, आक्रोश है, और जो हापुड़ की घटना है, जो एक महिला अधिवक्ता प्रियंका और चंद पुलिस वालों के बीच में हुई थी, एक झूठी FIR वाली, और चार दिन तक जहां हापुड़ का पुलिस प्रशासन मौन रहा और एक तरफा कार्रवाई करते हुए अपने चीज़ों को आगे रखा, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। और जब बार काउंसिल कि आप लोग जो है अपने जो भी आपका UP बार काउंसिल का जो भी निर्णय था, उस निर्णय के तहत आप लोग अपना जो है मांग रखे, अपनी कार्रवाई करिए, तो इन लोगों ने कुछ अपने मुद्दे उठाए जिसमें कि वजीरगंज में दर्ज FIR के बारे में इन्होंने बात किया। इनको आश्वासन दिया गया कि उसका, चूंकि एक विधिक प्रक्रिया है FIR की, और उस विधिक प्रक्रिया के तहत उसको विधिपूर्ण तरीके से निस्तारित किया जाएगा। तो मैंने इनको यही आश्वस्त किया है कि हम इसकी विवेचना करा के विधिपूर्ण तरीके से इसको निस्तारित कराएंगे।